आप देख रहे हैं न्यूज 14 और मैं हूं सैयद नकी हसन। पेश है टॉप 10 न्यूज। हम आज और हमेशा आपके साथ खड़े हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व कप फाइनल में हार के बाद बोले पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पंखे में उतरे करंट से 4 बच्चों की मौत। घटना के वक्त बच्चे ही घर पर मौजूद थे और उनके माता पिता खेत में काम कर रहे थे। मुठभेड़ के बाद भागकर भारत आए म्यांमार के 29 सैनिकों को वापस भेजा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों ने गाजा में ज़ायोनी सेना के खौफनाक दरिंदगी को देखते हुए कहा कि गाजा में केवल मानवीय संकट ही नहीं बल्कि संभावित रूप से नस्लीय सफाया भी किया जा रहा है। WHO ने की गाजा का अलशिफा अस्पताल खाली कराने की अपील। डेथ जोन बना अलशिफा अस्पताल। WHO और UN ने किया था अलशिफा अस्पताल का दौरा। मुंबई के कुर्ला से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कुर्ला में सूटकेस में एक महिला का शव मिला है। पुलिस को आशंका है कि महिला की गला दबाकर हत्या की गई है। मुंबई के समंदर में दौड़ेगी इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी। बेलापुर से एलिफेंटा कारंज वाशी समेत 7 रूट पर चलेगी। मुंबई में रोज धुलेंगी 1000 किलोमीटर सड़कें। प्रदूषण नियंत्रण के लिए महाराष्ट्र CM एकनाथ शिंदे के आदेश पर BMC का एक्शन। हिंगोली में भूकंप के झटके। सुबह सुबह हिली धरती। सोमवार सुबह मराठवाड़ा के हिंगोली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 20 नवंबर तड़के आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 थी। नासिक के साबरवाड़ी में मराठा समुदाय द्वारा भुजबल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। साबरवाड़ी में भुजबल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनके खिलाफ नारे लगाए गए। प्रतीकात्मक शव यात्रा भी निकाली गई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।